और अगर आप भी चाहते हैं कि सब एयरपोर्ट चालू हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गोपालगंज जिले का सब एयरपोर्ट हथुआ राज और ब्रिटिश राज का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस एयरपोर्ट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया था। अभी हाल ही में खबर आई थी, शायद आप सबने सुनी भी होगी, कि सभ्या हवाई अड्डे को फिर से चालू किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ खबर बनकर ही रह जाती है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय ने सभ्या हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल कर लिया गया है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये भारत की एक सीक्रेट एयरपोर्ट है, जो कि चाइना के खिलाफ युद्ध में इसका बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि चाइना यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। सभ्या एयरपोर्ट के चालू हो जाने से गोपालगंज के साथ साथ सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लोगों को भी लाभ होगा। 517 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट पर करीब 500 एकड़ पर अतिक्रमण हो चुका है। 22 टोला में हजारों लोग परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं।